बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुणाल। वेलकम गाइज हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो गाइज आज की वीडियो HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल से है और वीडियो का क्या है टॉपिक कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो परेशानी की बात नहीं। मुश्किल है वैसे ही। ये वैसे बताऊँ मैं सच आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये बात करने में तो है कि जिसने धोखा दिया परेशानी की बात नहीं, बट वाक्य में परेशानी हो जाती है दूसरे बंदे को। वाक्य में परेशानी हो जाती है, यार इसने धोखा दिया मेरे को, ये दिया, टेंशन हो जाती है बहुत सारे लोगों को। तो और ऐसे काफ़ी इनको तो अटैक तक आ जाता भाई। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो छोटे दिल के होते हैं, जिनको ज़्यादा सहन नहीं कर पाते। तो किसी की परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हालांकि इतनी टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, बोल ही सकते हैं हम तो सिर्फ। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो है और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का अपना खुद का चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस करके है, आप चाहो तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। 10 रुपए की 20 रुपए की खातिर अपनी सास से नमाजें किसी को पकड़ा दें तो पागल बना है या नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मिस्कीन किसको कहते हैं? फरमाया मिस्कीन वो नहीं है जो एक दो लुक्मे खिला दो तो चला जाए, वो इतना गरीब। फरमाया असल मिस्कीन ये थोड़ी है, असल मिस्कीन वो है कि क़यामत के दिन ढेरों नेकियां लेके आएगा लेकिन फलां का हक भी मारा, फलां का हक भी मारा, फलां का हक भी मारा। तो अल्लाह ताला कहेंगे, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने चोरी नहीं की बचपन में, शायद मुझे याद नहीं पड़ता, जब सही समझना हो तो वैसे किसी के ना समझी में उठा लियो पैसे, मुझे यानी जब होश में आया हूं, जब समझदारी आई है उसके बाद की बात कर रहा हूं। तो बच्चों को तो पता नहीं होता ना कि अगर उनको बार दफा पता भी नहीं होता ये चोरी है भी कि नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग आएंगे, वो कहेंगे अल्लाह इसने मेरे फलां पैसे खाए, इसने फलां पैसे खाए, इसने फलां वक्त में मेरा पैसा खाया, फलां वक्त में मुझे गाली दी, बिला वजह मुझे तंग किया। तो अल्लाह कहेंगे आज का दिन ऐसा है जिसमें पैसे नहीं चलेंगे। दुनिया में तो ऐसा होता है ना भाई, इसका जुर्माना है, इसके बदले इतने पैसे। आज पैसे नहीं, आज की करेंसी नेकियां हैं। जिसके पास नेकियां ज्यादा हैं वो ज्यादा दौलतमंद है। क़यामत में तो ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल भाई, जितनी नेकियां ज्यादा लेकर आओगे उतनी कामयाबी ज्यादा है। तो अल्लाह कहेंगे इतने पैसों के बदले में इतनी नेकियां इसको दे दो, इतने पैसों के बदले में। इसलिए जो लोग कारोबार में पैसा खा जाते हैं, ज्यादा टेंशन ना लिया करें, ये एक लिहाज से आपके लिए बेहतर भी हो गया। मेरे जो पैसे कारोबार में लोग लेके भागे हुए हैं ना, तो मैं इस लिहाज से खुश हूँ। और कोई अमल हो ना हो, ये तो क़यामत में इंशाल्लाह काम आएगा, पक्का है। तो ठीक है ना, तो यही सोच के खुशी भी होती है कि हमारे कौन सा इतना अमल है जो हम बख्शे जाएं। तो चलो यार ग्रेवी में ये निकलेंगे, सबसे पहले उसको पकड़ूंगा, वो सब्जी वाला जो गया था ना, सबसे पहले उसको पकड़ूंगा मैं, उसके बाद कपड़े वाले को पकड़ूंगा कि बेटा वो तेरा ट्रक पिशावर से अब तक पहुंचा नहीं है, 80,000 तुझे मैंने दिए थे लेडीज कपड़ा लाने के लिए 2004 में, पिशावर से तेरा ट्रक निकला था, आज तक वो पहुंचा ही नहीं। समझ रहे हो ना, अभी दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इसकी नेकियां उठा के उसको दी जाएंगी जिसका हक। बाज लोग ऐसे होंगे कि वो पूरी नेकियां खत्म हो जाएंगी उनकी, जब पूरी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो फिर क्या होगा कि अहले हक तो अभी बाकी हैं, वो तो आएंगे, तो अल्लाह कहेंगे अब इसके पास नेकियां तो है नहीं, तुम्हारे पास जो गुनाह है वो इसके सर पे लाद दो। तो नेकियां खत्म और गुनाहों का पलड़ा और उठा के जहन्नम की आग में फेंक दी। फरमाया असल गरीब ये है। तो भाई देखो तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अगर किसी ने किसी का हक खाया है आज भी वक्त है वो तौबा कर ले, आज भी वक्त। अगर देना मुमकिन नहीं है, इतने खा के बैठे हुए हैं कि अब तो फिलहाल खाना छोड़ तो दो ना, इतना तो कर लो। एक चोर आया मेरे पास, कह रहा मैंने बड़ी चोरियां की हैं, अब किस किस की है, बहुत मुश्किल काम है यार वापस। मैंने कहा यार हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के। तो मैंने कहा तुम दौड़ के ना जाओ, फिलहाल चल के चले जाओ, अहले हक को उसका हक फिलहाल वापस ना करो, वो डिले कर दो, ठीक है ना, फिलहाल इतना कर लो कि आइंदा चोरी नहीं करूंगा, वो फिर बात के लिए रखो, अल्लाह ने जब इतनी तौफीक होगी तो इंशाल्लाह और कोई कारोबार या कोई कमाओ पैसा ताकि आहिस्ता आहिस्ता हक लौटा सको। और उलमा ने कितनी आसानी कर दी, उन्होंने कहा कि किसी की चोरी की है ना तो उसको पैसा वापस लौटाने के लिए यह बताना जरूरी नहीं है कि मैंने आपकी चोरी की थी लिहाजा ये वापस ले लें, यह जरूरी नहीं है, हदीये के नाम पर वापस कर दो। समझ रहे हैं ना,
गरीबों का पैसा खाया है तो गरीबों पे सदका कर दो, जकात खाई है तो गरीबों पे सदका कर दो, किसी शख्स का पैसा खाया तो हदीये के नाम पे वापस लौटा दो, और अगर गुंजाइश नहीं है, वापस लौटाने की सितात ही नहीं है, तो उसके लिए दुआ कर लिया करो, अल्लाह बस क़यामत के दिन मेरी नेकियां ना इसको देना, वैसे ही तू अपने फजल से, मैंने तो तौबा कर ली, अपने फजल से अल्लाह तो इसकी तलाफी कर देना भाई। अल्लाह अगर चाहेंगे तो अल्लाह कहेंगे ना यार ये तौबा करके आया तो इसकी नेकियां नहीं उतरी, मैं तुझे वैसी गरीबी में, मेरे पास नेकियों की कमी नहीं है, गरीबी में दे दूंगा। मैं समझा पा रहा हूँ भाईजान? तो बात जल्दी से समेट के ख़त्म करता हूँ, सवालात हैं तो यही गाइस, यही बात आ जाती है कि अच्छे अखलाक आपके, हमारे, हम सबके अखलाक कितने अच्छे हैं, वो ही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। किसी को रुलाने की वजह नहीं बनने चाहिए हम, कि हमारी वजह से कोई बंदा रो रहा है या कोई बंदा से कर रहा है कि यार ये बंदा कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं बनना कभी भी लाइफ में ना, कि भीड़ और का आप आ जाओ कहीं से, कोई बंदा यार ये बंदा कहाँ से आ गया, चलो भागो भागो भागो, ऐसा बंदा नहीं बनना। सबका चहिता बनना है कि जहाँ आप ना जाओ तो लोग कॉल करे कि यार प्लीज आओ ना भाई, आओ ना यार, तुम्हारे बिना महफिल सुनी है, ये है वो है जो भी है, तो ऐसा बंदा बनना है, ऐसा दानवीर बनना है, जितना हो सके सदका करो। सदका होता है ना वो सदका, हाँ सदका, और एक और होता है इन दोनों में, नहीं एक सजदा, सजदा सर झुकाना, सदका वहाँ पैसे देना। हाँ तो जितना हो सके दान करो, दूसरे को दो, आपस में ये भाईचारा बढ़ाओ, ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, और किसी का हक नहीं मानना चाहिए वाकई में ना। और जो मुफ्ती हमने कहा है बहुत सही, मेरे को बहुत सही लगा वो चीज़ कि ना आखिरत के टाइम अगर हम गलत काम करते हैं, आखिरत के टाइम अगर किसी ने गलत काम किया है तो आखिरत के टाइम पे उसका जो गलत, उसकी जो नेकियाँ हैं ना वो दूसरे को दी जाएंगी। भाई तुमने इसके 1,00,000 रुपये लिए थे, अब उसके बदले तुम्हारी नेकियों में से कुछ नेकियाँ उस बंदे के पाले में जाएंगी, कि दुनिया में ये बंदा रोया है या अंदर अंदर घुटा है कि मेरे पैसे गए, ये गए, वो गए, अल्लाह से उन्होंने मांगा है बहुत बार हैं, और तुमने इसके पैसे लिए हैं, गलत काम किया है, भले उसने बंदे ने अल्लाह से मांगा हो या ना मांगा हो, बट अगर आपने दूसरे का गलत किया है ना तो उसको देना ही पड़ेगा, अपनी नेकियों में से अमाउंट उसको देना ही पड़ेगा, ये तो लाजमी ही लाजमी है। बिल्कुल। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है बाद में कि ऐसा गलत कर दिया मैंने, कुछ नहीं ऐसा करना चाहिए था, तो अगर आपका मिज़ान, मतलब आपकी अगर आपके पास होता है तो आप उसको एज अ गिफ्ट दे दें, आप ये बता कर ना दें कि हमने उस टाइम पे ऐसा किया था तो अब हम वापस कर रहे हैं, क्या पता वो आगे वाला बंदा गुस्सा ना भी हो तो गुस्सा हो जाए आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ना? और वैसे भी एक मैंने ना बचपन में कहावत पढ़ी थी कि अगर आपका अगर ये हाथ दान दे रहा है ना तो इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपके इस हाथ ने दान दिया है, इतना सीक्रेट होना चाहिए। आप अगर सदका कर रहे हो ना तो इतना सीक्रेट होना चाहिए कि किसी को पता ना चले। हालांकि आजकल क्या हो गया, लोग दुनिया देती है, काफ़ी दिन देती है, बट शोबाजे तक कर दिया, हमने दिया, मैंने दिया, हमने दिया, वो जो मैं और हम है ना वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, वो तो मे बी फिर काउंट भी नहीं होता। बस ये है कि भाई अल्लाह के नाम पर हमने दिया, अगर आपको सदका करना है किसी मस्जिद में जाके पंखे दे दो, चार पंखे दे दो कि अल्लाह के नाम पर ये पंखे आप लगा लो, किसी का नाम नहीं लिखना, ये पंखा इसकी याद में था या इसकी में ये था, नहीं, चुपचाप जाओ और जाके गिफ्ट उनको दे दो कि भाई मेरी तरफ से छोटा सा ये गिफ्ट है, बस खत्म कर, नाम नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, जो भी आप जहाँ भी दे सकते हो वहाँ दे दो, मस्जिद में जाके या मदरसे में जाके एक टाइम का खाना दे दो, खिला दो बच्चों, गरीब को खिला दो, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर नहीं बन पाता आपसे कि आप नहीं दे पाते हो तो उन लोगों के लिए दुआ कर दें कि उनकी जो वो है, क्या बोला था, मतलब जैसे हमारे, मतलब अगर हमने कुछ गलत किया है तो उनके लिए मांग लो कि अल्लाह उनको आप दे दो, हाँ उनको आप दे दो आखिरत में, मतलब उनकी, मतलब हमारी नेकियां उनको मत देना, मतलब जो जैसे भी था, समझ गए होंगे आप सब मेरे कहने का मतलब क्या है। नहीं बट उसके लिए ना आपको अपने दिल में दिल से दुआ करनी, प्राश्चित होना चाहिए कि हमने गलत किया है, हाँ। ऐसा नहीं कि गलत करके अल्लाह अल्लाह हमें माफ कर देना, हाँ, उसको हाँ। हमारी नेकियां मत देना, नहीं, आपको प्राश्चित होना चाहिए मैंने गलत किया है, उस चीज का आपको अंदर फील होना चाहिए, गिल्टी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो अच्छी वीडियो थी गाइस, बहुत कुछ समझने वाली वीडियो थी, और हालांकि शॉर्ट थी बट समझने वाली चीजें बहुत थी इस वीडियो में। तो चलते हैं गाइज, आप HKD मुफ्ती तारिक मसूद चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही आप हमारे चैनल को भी कीजिए सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।